हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फोर स्ट्रोक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वर्जन वाली। ये 2022 का सबसे लेटेस्ट मॉडल स्प्लेंडर प्लस में एक्सटेक वर्जन। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वॉइजर पर आप देख पा रहे हैं इसमें स्टिकरिंग की गई है। यहाँ पे LED DRLs आपको दिखाई दे रहे हैं। हीरो स्प्लेंडर प्लस की यहाँ पे बैजिंग की गई है और पहले की तरह ही आपको यहाँ पे बल्ब में इंडिकेटर प्रोवाइड किए गए हैं। हेडलाइट आपको मिलता है हेलोजन बल्ब में, इंडिकेटर आपको बल्ब में ही मिलेंगे। इसमें नया चेंज यही है दोस्तों, आपको यहाँ पे DRL मिल जाता है और ये जो स्टिकर आप देख रहे हैं ये अलग अलग कलर वेरियंट के हिसाब से ये चेंज होते रहता है। कुछ इस तरह से फ्रंट से ये दिखाई पड़ता है। यहाँ फ्रंट में आपको मिलता है ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद ड्रम ब्रेक और दोस्तों ये आपको अब ट्यूबलेस में प्रोवाइड हो रहा है। स्प्लेंडर में पहले ट्यूबलेस प्रोवाइड नहीं कर रही थी कंपनी, अभी जो है ये स्प्लेंडर प्लस के साथ आपको ये ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन मिल जाता है। और फ्रंट में आपको इसमें मिलता है 80x100 का टायर 18 इंच अलॉय व्हील के साथ। यहाँ पर साइड रिफ्लेक्टर आपकी सेफ्टी के लिए और कुछ इस तरह का मडगार्ड आपको इसमें मिलता है। और यहाँ पे मिलता है दोस्तों आपको ये i3s ऑन ऑफ का स्विच, ये इंजन स्टार्ट का स्विच यहाँ मिलता है आपको। और कुछ इस तरह का ये मीटर कंसोल मिलता है आपको, ये पूरी तरह डिजिटली मिलेगा आपको इसमें क्योंकि ये एक्सटेक वर्जन है। इसलिए आप देख पा रहे हैं ये देखिए दोस्तों, ऑन होते के साथ यहाँ पे हेलो माय हीरो, इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं। ये किलोमीटर है, यहाँ फ्यूल मीटर आपको मिलता है, ये लाइव माइलेज शो करने के लिए आपको मिलता है। यहाँ पे लाइव माइलेज शो करेगी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। यहाँ मिलता है आपको सेफ्टी फीचर्स में साइड स्टैंड का ये इंडिकेटर आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रल का, और साथ में यहाँ i3s का लाइट आपको मिलता है और यहाँ मिलता है आपको इंडिकेटर का लाइट, ये आप देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद यहाँ मिलता है आपको लाइट अपर डीपर के लिए और ये इंजन का लाइट आप देख रहे हैं जल रहा है और यहाँ लो फ्यूल का लाइट यहाँ पे दिया गया है। और इस यहाँ मोड मिलता है दोस्तों, आप इससे अब जब अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे आप मोड चेंज करके इससे अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे फीचर्स आपको मोड में आपको यहाँ ट्रिप मीटर मिल जाता है, साथ में ट्रिप बी भी मिलता है आपको इसमें। यहाँ मिलता है आपको ये USB चार्जिंग पोर्ट, आप यहाँ पर कोई भी USB केबल लगा के अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। कुछ इस तरह का हीरो आपको की प्रोवाइड करता है इसमें। और यहाँ मिलता है आपको ये लाइट अपर डिपर का स्विच, ये इंडिकेटर और कुछ इस तरह का हॉर्न मिलता है इसमें आपको। यहाँ मिलता है दोस्तों आपको फ्यूल टैंक कैप, ये स्प्लेंडर का सिग्नेचर कैप है, मतलब शुरू से ही इसमें आपको जो है स्प्लेंडर ऐसा ही कैप प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलते हैं, इसके अंदर मेन कैप रहता है और ये यहाँ आप की को इंसर्ट करके इसको ओपन करके यहाँ से फ्यूल इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 9 लीटर की। यहाँ पे हीरो का सिग्नेचर लोगो, ये ब्लैक कलर पे कुछ ग्रे हल्का या गोल्डन कलर का ये स्टिकर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस पर स्टिकरिंग की गई है इस पर। ये हीरो का लोगो आपको मिलता है इसमें, ये क्रोम में आपको मिलता है टोटल। यहाँ पे मिलता है पावर स्टार्ट का बैजिंग, साथ में यहाँ प्रोग्राम रेफाई की बैजिंग की गई है। यहाँ एक कीबोर्ड मिलता है, आप इसमें की इंजेक्ट करके इसको ओपन कर सकते हैं। ये बॉक्स है, इसके अंदर में आप अपना पेपर वगैरह रख सकते हैं। और ये देख रहे हैं इसका ये लेग गार्ड, ये एसेसरीज का पार्ट नहीं है, ये गाड़ी में लगा हुआ ही आता है, आप इसको लगवाना नहीं पड़ेगा आपको। और यहाँ मिलता है दोस्तों आपको ये 97.2 cc का इंजन जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 7.91 bhp 8000 rpm पे। ये BS6 इंजन एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है। आपको यहाँ पे किक प्रोवाइड किया गया है, ये है फुट रेस्ट, ये ब्रेक पैडल और पैनल पे कुछ इस तरह से स्प्लेंडर प्लस और एक्सटेक की बैजिंग। कुछ इस तरह का साइलेंसर मिलता है इसमें आपको और यहाँ मिलता है 5-way एडजस्टेबल शॉकर, ये कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन है। और रियर में मिलता है दोस्तों आपको 80x100 का टायर 18 इंच अलॉय व्हील के साथ और ये भी आपको ट्यूबलेस में प्रोवाइड किया गया है।
आप देख पा रहे हैं ट्यूबलेस में। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे I3S की बैजिंग, यहाँ पे एक्सटेक की बैजिंग, कुछ इस तरह का बल्ब में इंडिकेटर मिलता है आपको यहाँ, और यहाँ मिलता है हीरो का लोगो, हीरो की ब्रांडिंग, साथ में बल्ब वाले बैकलाइट, और कुछ इस तरह का ग्रैबरील इसमें आपको मिलता है, ये स्टील का। ये सीट आप कुशन देख पा रहे हैं इसका, ये यहाँ मिलता है आपको ये फूट रेस्ट साड़ी गार्ड के साथ, और ये चैन कवर जो है इसमें दोस्तों ये स्टील का प्रोवाइड किया गया है आपको। यहाँ भी I3S की बैजिंग मिलती है आपको, और ये फूट रेस्ट पिनियन के लिए स्प्लेंडर प्लस और एक्सटेक की बैजिंग। यहाँ देखिए ये है साइड स्टैंड इसका, ये मेन स्टैंड, और यहाँ आपको मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन में 4 गियर, ये फूट रेस्ट ड्राइवर के लिए, हीरो की ब्रांडिंग यहाँ इंजन पे भी की गई है। इसका कर्व वेट है दोस्तों 112 kg, और कंपनी क्लेम करती है 87 का टॉप स्पीड। यहाँ पे भी पावर स्टार और प्रोग्राम्ड FI की बैजिंग, आप ये देख रहे हैं टैंक पे लोगो कुछ इस तरह से दिखता है इस साइड से। यहाँ मिलेगा आपको सिंगल हॉर्न, और दोस्तों इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, और सीट हाइट है 785 mm। ये साइड रिफ्लेक्टर इसकी सेफ्टी के लिए, और इसमें है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम IBS, ये डबल वायर उसी के लिए आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे कुछ इस तरह का अलॉय व्हील दिखता है इस तरफ से, ये इसका इंजन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वर्जन में 2022 वाली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।